हे भगवान, मेरे पिताजी पत्थर के हो चुके हैं। मैं इनकी पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलती है प्रभु। हे मेरे भगवान, मेरा सुहाग फिर से वापस कर दे मेरे मालिक, फिर से वापस कर दो। और तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे हाथों के गजरे के मंजिल, तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल। तुम ही मेरे हाथों के गजरे के मंजिल, तुम ही मेरे बात की बेदिए की झिलमिल। तुझे देख करिए ख्याल रहा है, तुम्हें देख करिए ख्याल रहा है, कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। हे मेरे प्रभु, मेरे सर पर कैसा गाज गिरा दिया है तूने। मैं तो अपने पते के बिना रह नहीं सकती। ये मेरी जिंदगी कैसे व्यतीत होगी। मेरे भगवानी कहर कैसा ढाया, मेरे भगवानी कहर कैसा ढाया, मेरे राजा को पत्थर बनाया। मेरे भगवान कहर कैसा ढाया, मेरे राजा को पत्थर बनाया। जिद्दी करने का फल मैंने पाया, जिद्दी करने का फल मैंने पाया, मेरे राजा को पत्थर बनाया। शादी बेटी की ना कर सकी मैं, ना तो दीपक को दूल्हा बनाया। शादी बेटी की ना कर सकी, ना तो दीपक को दूल्हा बनाया। अपनी करनी का फल मैंने पाया, अपनी करनी का फल मैंने पाया, मेरे राजा को पत्थर बनाया। किसकी पूजा कर रही हो? विक्रम, मैं अपने पति की पूजा कर रही हूँ, और किसकी पूजा कर रही हूँ? महारानी जी, जब तुम्हारे पति थे तब थे, लेकिन अब ये महाराज पत्थर के बन चुके हैं। पत्थर से इंसान कभी नहीं बन पाएंगे। महामंत्रीवर, मैं मानती हूँ कि मेरे महाराज पत्थर के बन गए हैं, लेकिन मेरे लिए तो हमारे देवता हैं, हमारे स्वामी मेरे भगवान के समान हैं। मेरा फर्ज और कर्तव्य बनता है कि अपने पति की पूजा करना और सेवा करना एक नारी का धर्म होता है। लेकिन चाहे जितना पूजा अर्चना करो महारानी जी, महाराज पत्थर से इंसान कभी नहीं बन सकते। और जो सेना नायक स्वर्ण कमल लेने गए हैं माया नगरी ना, और माया नगरी से कभी जिंदा वापस नहीं आ सकते। इसलिए मैं तुमसे कुछ कहने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो तुम? तो बात एक तुमसे कहने को आया यहाँ, बात एक तुमसे कहने। क्या कहना चाहते हो? मुझसे क्या कहना चाहते हो? बात एक तुमसे कहने को आया यहाँ, बात को मेरी सुनिए जरा ध्यान से। संग किरण के हमारी सगाई करो, संग किरण के हमारी सगाई करो। राज करिए उम्र भर फिर शान से, संग किरण के हमारी सगाई करो। सर पे गिरी चोर मैं हो गई, गाज सर पे गिरी। गाज सर पे गिरी चोर मैं हो गई, मौके का फायदा तू उठाने चला। आएगा जिस घड़ी मेरा सेनापति, दाब देगा पकड़ कर तुम्हारा गला। काल के मुंह में भेजा है सेनापति, काल के। ओ सेनापति की बात कर रही हो। काल के मुंह में भेजा है सेनापति, राजा पत्थर हुए ना कोई आएगा। शादी गर्चे किरण से और मेरी ना हुई, शीश दीपक का खंजर से उड़ जाएगा। सोच लो महारानी, हम तुम्हें सोचने के लिए 3 दिन का समय दे रहे हैं। अगर हमारा कहना नहीं हुआ तो देख लेना, तुम्हारे सामने दीपक की लाश होगी और तुम्हारी किरण से हमारी शादी होगी। तुम्हारा स्थान जेल होगा। इंडिकेटर ला मेरी बंदूक। नहीं जा रहा हूँ महारानी। महामंत्री विक्रम सिंह, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने मेरा नमक खाया है। नमक। महामंत्री विक्रम सिंह नाम है मेरा। जो कहता हूँ वो करता हूँ, अगर वो करके ना दिखाया तो विक्रम सिंह मेरा नाम नहीं। चलता हूँ महारानी, तुम्हें 3 दिन का समय दे रहा हूँ। चलता हूँ, चलता हूँ। माँ ऐसे गमगीन बैठी है, आखिर बात क्या है? मैं भी यही सोच रहा था कि रोज हम लोग तो आते थे। हाँ, तुम अपने गले से लगा लेती थी, लेकिन आज क्या बात है? आओ चलकर पूछते हैं। आओ माँ, ले रानी माँ। रानी माँ, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। किसी चिकिया ले लेकर रोती हो बताओ, और क्या हुआ माता चिकिया किया ले लेके रोती हो, और बताओ क्या हुआ माता, और ठीक हो जाएंगे राजन धरो दिल में धीर माता, ठीक हो। तुम्हारी देख कर हालत किरण भी रोने लगती है, और कोई गरचे तुम्हें कुछ भी कहा बताओ सब मुझे माता। रानी माँ, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे हैं और तुम्हारी हालत को देखकर किरण भी रोने लगती है माँ? मुसीबत सर पे आती है तो चारों ओर से आती। मुसीबत सर पे आती है तो चारों ओर से आती, और बताऊं क्या तुम्हें दीप की कड़ी मुझसे न कुछ जाती। किरण को साथ में लेकर कहीं को भाग जाती। रानी माँ, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। रानी माँ, ऐसा मुझसे हरगिज़ नहीं होगा। किरण को साथ में लेकर कहीं को भाग जा दीप की, और कहीं कुछ हो गया तुझको तो फट जा ये मेरी छाती। माँ, ये क्या कर रही हो आप? माजरा क्या मेरी मैया महल से जो भागाती हो? माजरा क्या मेरी मैया महल से जो भगाती हो? बात क्या है मेरी मैया नहीं मुझसे बताती हो? बात क्या बात है माँ, क्यों नहीं बताती हो मुझे? आखिर बात क्या है, क्यों भगाती हो? अगर आप कह रहे हैं कि किरण को लेकर भाग जाओ, लेकिन मैं किरण को लेकर किस लिए चला जाऊं? मुझे क्या है जाने की माँ, किस लिए चला जाऊं? मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बताऊंगी। बेटा दीपक, हाँ रानी माँ, वो हरामजादा महामंत्री विक्रम मेरे पास आया था और उसने मुझसे धमकी देकर गया है और कहा कि किरण बेटे की शादी मेरे साथ में कर दो। क्या? मंत्री ने कहा? मैंने इनकार कर दी। फिर उसके बाद में कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो दीपक को मैं जान से मार दूंगा। और यह भी धमकी देकर गया कि अगर मेरे कहने के मुताबिक तुम काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगवाकर पाँव में बेड़ी डलवाकर तुमको जेल खाने में डलवा दूंगा। इसलिए तुझे मेरी सर की कसम है दीपक बेटा, तू मेरी बेटी को लेकर इस राजकोट से तू इतनी दूर चला जा कि सीमा सरहद पे रानी बनाए। रानी माँ, ये दीपक एक सेनानायक बेटा है, और अगर मैं किरण को लेकर भाग जाऊंगा तो ये दुनिया क्या कहेगी कि ये सेनानायक का बेटा एक अपराध कर रहा है। और रानी माँ, दूसरी बात, अभिराजन पत्थर के और पिताजी माया नगरी गए गुरुदेश, अगर वो वापस नहीं आएंगे और हम किरण को लेकर भाग जाएंगे तो विक्रम सिंह मंत्री अपनी मनमानी करेगा। रानी माँ, मनमानी करेगा। लेकिन दीपक, मैं माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगी। रानी माँ, माँ को इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं कहीं भी मेंबर पे सक जाऊंगी लेकिन माँ को नहीं छोड़ूंगी। नहीं बेटी, तुझे जाना होगा। अगर तुम इस राज को छोड़कर कहीं दूर चले जाओगे तो चैन की जिंदगी जी लोगे। अगर तुम लोग इस राज्य में रहोगे तो तुम लोगों को जान से मार देगा वो बेटा। इसलिए हाथ जोड़कर मैं निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, बेटे चले जाओ यहाँ से, तुम लोग चले जाओ बेटा। रानी माँ, ठीक है, आपने मुझे पाला पोसा, आपने आकर कसम दिला दी है तो आप किरण को लेकर रानी माँ बहुत दूर चले जाएंगे। हाँ किरण, आओ 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 किरण, माँ को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। अरे मैं भी मजबूर हूँ, मैं भी किरण। एक बार माँ से मिल लूँ, उसके बाद जाओ मेरे बेटे, जाओ मेरी बेटी, मेरी चिंता नहीं करना, जाओ मेरे बेटे, चले जाओ। रानी माँ, मुझे मत, जाओ बेटे, जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। जाओ बेटे, बेटी, जब मुझे मिलना होगा तुम लोगों की याद आएगी तो ये तेरी माँ अपने इन कदमों से चलकर तुमसे मिलने जरूर आएगी। श्याम और मिली तो मिली नहीं, जय सिया राम। क्यों महारानी, आज तुम्हारा 3 दिन पूरे हो चुके हैं और कहाँ है तुम्हारी बेटी किरण और कहाँ है वो दो दीपक? मुझे खुद भी नहीं पता कि दीपक किरण कहाँ है। हरामजादे, शायद तूने ही उन दोनों को गायब कर दिया होगा। ना कनगमा नहीं सुनता के महामंत्री विक्रम सिंह, तुझे सब कुछ मालूम है। खोल पिंजड़ा उड़ा मेरा बुलबुल दिया, खोल पिंजड़ा बुलबुल दिया, दिल में आता तेरा दाब दूं मैं गला, बन के कैदी रहेगी। अरे अब तो जिंदाल में तेरे सर पर अब आए अचानक बला। जी तबाद की धमकी देता किसी भी शर्म, जो मुसीबत पड़ेगी उठाऊंगी मैं। है कहाँ को गए भाग दीपक किरनी, मैं नहीं जानती ना बताऊंगी मैं। शांति, तुझे सब मालूम है। हम जानते हैं कि तू सीधे नहीं बताएगी, और जो काम सीधे नहीं बनता उसे विक्रम सिंह टेढ़े बनाता है। एक्सीलेटर कैद करो महारानी को, डाल दो जिंदाल में। जब तक मेरा हुक्म ना हो इन्हें अन्न जल कुछ नहीं दिया जाएगा। बाबू लिया बंदूक पकड़ो। दोस्त नहीं साले, बंदूक बोलो। एक्सीलेटर जी, हमारे हुक्मानुसार महारानी को 3 नंबर जेल में डाल दो। ठीक है। पड़े पड़े कैद में इनको सब अपनी औकात का पता चल जाएगा। आओ हमारे साथ। महारानी जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैं एक छोटा सा नौकर हूँ, जो मंत्री साहब कहेंगे वो भी करूँगा, जो आप कहेंगे वो भी मैं करूँगा। हाँ दरबारी, तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। गलती है तो मेरी है। हे भगवान, ना जाने उस जन्म में कौन सा ऐसा कर्म किया था कि आज हमें उन गुनाहों का सजा मिल रहा है। क्या भूल हो गई हमसे प्रभु, क्या भूल हो गई। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हम मिली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। अब तो चारों ही तरफ बंद दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। क्या मुसाफिर सोया नहीं? ओ थोड़ी देर सब्र करो। अरे मुझे कली से फूल बनना है, मुझे कली से फूल बनना है। ओम नमः शिवाय।